हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेट सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन क्या होता है। सेट सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन का मतलब क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन में जैसे डिजीलॉकर में ही या फिर अदर एप्लीकेशन में भी अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं सेट सिक्योरिटी पिन या फिर सेट सिक्स डिजिट फोर डिजिट सिक्योरिटी पिन, तो ये पिन होता क्या है, इसमें आपको कौन सा पिन डालना होगा वो इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन लिखा रहा है। तो बेसिकली होता यह है, जैसे हम किसी एप्लीकेशन में पासवर्ड बनाते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करते समय पासवर्ड देनी होती है, उसी टाइप से किसी किसी एप्लीकेशन में हमें जो है पिन बनानी होती है। पासवर्ड का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उस केस में किसी किसी ऐप में डायरेक्टली आपको सिर्फ पिन देनी होती है और पिन के थ्रू आप जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। फोन पे गूगल पे के अंदर भी आप सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आता है। सिक्योरिटी पिन में आप जो है कोई भी सिक्स जो है नंबर डाल सकते हैं, इसमें आपको नाम वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। जो है आप इसमें मतलब लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको नंबर्स यूज़ करना है। 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो आप नंबर डालोगे वो आपको कभी भी मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तब तक याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम करता है, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, बस 6 डिजिट डालने हैं जो कि आपको याद रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।